हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंडर जी एपिसोड नंबर 11 और 12 के बारे में, जो इस सीजन के लास्ट एपिसोड है। ज्यादा उदास मत हो, इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये लास्ट एपिसोड है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले मैंने Q&A का पोल डाला है, तो जाओ और वहाँ पर पहले कमेंट करके आओ। जो भी आपके क्वेश्चन है, चित्र विचित्र, वो सारे पूछ डालो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सुमी चांद के बारे में बताया जाता है। वो फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है, टाइम की पक्की है और अपना सारा काम खुद कर लेती है। लेकिन वो रेंडर जॉब का काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा डरती है और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है। फिर उसके बाद सुमी चांद चिजुरू से मिलती है, जहाँ पर चिजुरू उसे बताते हैं कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, कभी नर्वस मत हो, कोई ना कोई तुम्हें ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे साथ डेट करके खुश होगा। मुझे पता है तुम एक दिन बहुत ही अच्छी रेंडर जॉब बनोगी। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में कागुया दिखाया जाता है, जो सुमी चांद का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि चिजुरू ने उसे कहा था कि वो उसके साथ टाइम बिताए। फिर कागुया आसपास देखता है तो सुमी चांद उसे डरते हुए छुप रही थी। फिर उसके बाद वो कागुया के सामने आती है, उसे देखकर कागुया अंदर ही अंदर सोचता है कि यार ये भी कितनी ज्यादा क्यूट दिखती है। बड़ा हरामी हो बेटा। कागुया कहता है कि ज्यादा नर्वस मत हो, मेरे पीछे आओ। और वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर उन्हें जाते हुए मामी चांद देख लेती है। फिर कागुया और सुमी चांद साथ में कॉफी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सुमी चांद कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर वहां पर कागुया सुमी चांद को स्माइल देने के लिए कहता है, लेकिन सुमी चांद वो भी ठीक से नहीं दे पाती। काजो अंदर अंदर सोचता है कि नहीं, ये कभी भी रेंडर जॉब नहीं बन सकती। लेकिन वो चिजुरू की बातों को याद करता है और वो सोचता है कि मैं चिजुरू के लिए करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद वो दोनों गेम जोन में जाते हैं। फिर वापस सुमी चांद बॉल फेंकने का ट्राई करती है, लेकिन वो नर्वस होकर नीचे गिर जाती है। काजो उसके पास आता है, वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, ये क्या तुम्हारा पहली बार है? सुमी चांद कहती है कि हाँ। काजो कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छा किया। काजो सोचता है कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ। फिर काजो कहता है कि ठीक है, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। और वो ड्रिंक लेने के लिए जाता है, और तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर सुमी चांद के पास जाकर उसे परेशान करने लगते हैं। और काजुआ साला उन्हें देखकर डर जाता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, वरना लड़ाई हो जाएगी। तो वहाँ पर वो लड़के सुमी चांद को छेड़ने लगते हैं। अजय सोचता है कि नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता, चिजुरू ने मुझ पर भरोसा करके सुमी चांद को मेरे पास भेजा है। और वो वहाँ पर जाता है। काजुआ कहता है कि सॉरी सुमी चांद, मैं लेट हो गया, चलो अब हम यहाँ से जाते हैं। और वो सुमी चांद का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। लड़के कहते हैं कि वही लड़के उस चोम को छोड़ दे और हमारे पास आ जा, लेकिन काजुआ उनकी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद सुमी चांद कागुया से थैंक यू कहती है। कागुया सोचता है कि फाइनली कुछ तो बोला। सुमी चांद कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से उन लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ बुरा बोला। कागुया कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो चलो हम मजे करते हैं। फिर सुमी चांद कागुया का हाथ पकड़ती है और वो स्माइल देती है। कागुया सोचता है कि फाइनली अब वो अच्छा कर रही है। और वो दोनों वहां से जाते हैं और उन्हें पीछे से मामी चांद देख रही होती है। फिर उसके बाद कागुया और सुमी चांद आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सुमी चांद अपने आइसक्रीम को खाने के लिए कागुया को देती है। काजुआ कहता है कि क्या सच में मैं कहूँ, तो सुमी चांद कहती है कि हाँ। काजुआ सोचता है कि वो अच्छी कोशिश कर रही है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, वो बुरी लाल हो गई है, लेकिन मैंने नहीं किया तो उसे बुरा लगेगा। और काजुआ थोड़ा बाइट खाता है और वह वाला भाग सुमी चांद भी खाती है। काजुआ सोचता है कि यार कितनी अच्छी तरीके से खा रही है, और अपने भाई गंदी गंदी फैंटेसी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचता है कि नहीं नहीं, वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा मासूम लड़की है, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों गेम जोन में जाते हैं। फिर वो दोनों स्केटिंग करते हैं, जहाँ पर सुमी चांद गिर जाती है और कागुया गलत चीज के दर्शन कर लेता है। फिर वो सुमी चांद को पकड़ने के लिए जाता है और वो गिरता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। काजुए सुमी चांद को देखकर सोचता है कि यार पास से कितनी ज्यादा क्यूट दिखती है। और तभी उसके नाक में से खून निकलता है। अब आप एनिमे फैन हो तो आपको पता ही होगा कि नाक में से खून कब निकलता है। वो कहता है कि मैं इसे साफ करके आता हूँ, और वो वहां से जाता है। फिर वो वापस आके देखता है तो मामी चांद सुमी चांद के साथ बैठी हुई थी। तो चलो काजुआ भाई का फेवरेट सॉन्ग बजा डालो लास्ट टाइम। काजुआ कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मतलब कि तुम यहाँ पर क्यों हो? मामी चांद कहती है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आई थी और मैंने तुमको देख लिया, और हमें काजुआ के साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ, और तुम कौन हो? काजुआ कहता है कि सुमी चांद है, और वो अंदर अंदर सोच रहा होता है कि मैं मामी चांद को कुछ भी सच नहीं बता सकता। और तभी सुमी चांद काजुआ का हाथ पकड़ लेती है। काजुआ अंदर अंदर सोच रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। मामी चांद कहती है कि सुमी चांद क्या तुम हमें 5 मिनट दे सकती हो? काजुआ भी हाँ कहता है और सुमी चांद वहां से जाती है। और काजुआ अंदर अंदर सोच रहा होता है कि पता नहीं अब मेरी कैसी बैंड बजेगी। मामी चांद कहती है कि कागुया ब्रेकअप के बाद तुम काफी बदल गए हो, तुम जिजुरू जैसी और लड़की को पटा के एक और दूसरी क्यूट लड़की पटा ली, जिसने मैंने सोचा था उससे बड़े वाले तुम प्लेबॉय निकले, मतलब रणबीर कपूर से भी बड़ा। काजुआ अंदर अंदर सोच रहा होता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ सुन ही सकता हूँ। मामी चांद कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, और हाँ तुम्हारे एक्स होने के नाते मैं तुम्हारी बात को सिगरेट रखूंगी, ओके नो प्रॉब्लम। और ये सुनकर कागुया अंदर अंदर सोच रहा होता है कि मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। फिर उसके बाद शाम होती, कागुया कहता है कि ठीक है अब जाने का टाइम हो गया। सुमी चांद सुमी चांद कहते कि थैंक यू कागुया। काजुआ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छी भी हो और क्यूट भी हो।
तुम कम बातें करती हो, शर्माती हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जैसी लड़की रेंट जेब ना बन पाए। तो ठीक है, नर्वस मत हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। और वहाँ पर सुमी चांद जीजू की बातों को याद करती है। काजल कहता है कि ठीक है फिर मिलते हैं। सुमी चांद कहती है कि हाँ फिर मिलते हैं, और वो दोनों वहाँ से जाते हैं। फिर उसके बाद हमें जीजू दिखाई जाती है जो सुमी चांद को फोन करती है और पूछती है कि आज की डेट कैसी रही। सुमी चांद कहती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी रही और काव्या ने मुझे गुंडों से भी बचाया। जीजू कहती है कि अच्छा मतलब तुम्हारी डेट अच्छी गई, मतलब कि तुम अच्छा कर रही हो। सुमी चांद हाँ कहती है। फिर उसके बाद हमें मामी चांद दिखाई जाती है जो सोच रही होती है कि मैं काव्या से अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे लिए ठीक हो। और काजू या तो टू टाइमर है, क्या वो सच में उसकी जीएफ थी? उसका नाम सर्च करके देखती हूँ। और वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक रेंट जीएफ है। फिर उसके बाद हमें काजू या कीबी और कूटी दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ बकचोदी कर रहे होते हैं। कीबी कहता है कि देख बेटा, तू जिसे पसंद करता है तो उसके साथ सेक्स कर सकता है, ठीक है, तो तू करना चाहता है तो कर। काजू कहता है कि कुछ भी मत बोल साले। कीबी कहता है कि तो इसके बारे में तू क्या कहता है कूबी? कूबी कहता है कि वेल मौका मिले तो कभी कभी कर लेना चाहिए ना, कूबी भी कम थर की नहीं है। फिर वहाँ पर कागुया जीजू को किसी और लड़के के साथ जाते हुए दिखता है और वो डर के मारे कीबी और कूबी को दूसरी ओर ले जाता है। फिर उसके बाद काजुया घर आता है तो सोचता है कि मैं पागल हूँ, मैं अपना सारा टाइम वेस्ट कर देता हूँ। फिर वो दरवाजा खोलता है जहाँ पर बाहर चीप फूट पड़ा हुआ होता है और उसे चीप आकर लगती है और वो देखता है तो वो जीजू थी। काजुया कहता है कि वो कोई और तरीका नहीं था मुझे बाहर लाने का। जीजू कहते कि वेल मैं भूल गई थी, तुम्हें थैंक यू कहना सुमी चांग के लिए, आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। काजुया कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपना काम किया। और वो अंदर अंदर सोच रहा होता है कि यकीन नहीं होता कि जीजू मुझे थैंक यू कह रही है। फिर काजुया कहता है कि क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया था? जीजू कहते कि वेल ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी रेंट जीएफ की जॉब छोड़ दूँ। काजुया कहता है कि क्या सच में? जीजू कहते कि तुम्हें वो डायरेक्टर याद है जिसे उमी चांद ने बात की थी, मुझे उनके प्ले में एक रोल मिल गया है और वो काफ़ी फेमस भी है। मेरे मैनेजर ने भी कहा है कि मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक साल के रेंट जीएफ का काम कर रही हूँ। अगर मुझे एक्ट्रेस बनने का मौका मिलता है तो मैं सिर्फ उस पर फोकस करना चाहती हूँ, तो यह मेरा आगे बढ़ने का टाइम है। तो तुम क्या सोचते हो? अजय कहते हैं कि देखो तुमने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ किया है, इतना सब कुछ कि मैं तुम्हारे लिए उतना कभी नहीं कर पाऊंगा। जीजू कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं ये सब इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करूंगी, जब वक्त आएगा तब करूंगी, तब तक मैं तुम्हारी जीएफ बनी रहूंगी। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, कल मेरी मॉर्निंग डेट है। काजू कहता है कि हाँ मैं भी, कुछ लोग अब समझ सकते होंगे कि काजू को अंदर से कैसा फील हो रहा होगा। फिर उसके बाद काजू अपने रूम में आता है और वो सोचता है कि मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि वो अपना सपना पूरा करने के लिए रेंट जेब का काम कर रही थी, लेकिन अगर उसने रेंट जेब का काम छोड़ दिया तो मेरे पास कोई भी वजह नहीं रहेगी उसे जेब बनाने की। मैं उसे बता भी नहीं सकता कि वही है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। और वो बेड पर लेटता है, वो चिल्लाते चिल्लाते बोल रहा होता कि साली किस्मत तू मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेलती है। फिर उसके बाद सुबह होती है और हमें जीजू दिखाई जाती है जहाँ पर उसके फोन में उसके दादी का मैसेज आता है। तभी पीछे से मामी चांद आती है और वो कहती है कि तुम तो प्रो हो जीजू मिजू हारा। फिर उसके बाद हमें काजुआ दिखाया जाता है जो रुका चांद के साथ फोन पे बात कर रहा होता है। रुका चांद कहते हैं कि क्या हम डेट पे चले? तो काजुआ कहता है कि हाँ चलते है। फिर उसके बाद वो दोनों डेट पे जाते हैं और रुका चांद बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर वहाँ पर रुका चांद काजुआ से कहती है कि काजुआ मैं तुमसे जबरदस्ती प्यार नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश होकर मुझे एक्सेप्ट करो। काजुआ सोचता है कि सच में रुका चांद भी बहुत अच्छी लड़की है। वो सोचता है कि अब मैं जीजू पे डिपेंड नहीं रह सकता, अब मुझे खुद अपनी लव लाइफ को मैनेज करना होगा। फिर उसके बाद हमें दिखा जाता है कि रुका चांद और काव्या सब में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर काव्या रुका चांद से कहता है कि रुका चांद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें सिर्फ ट्राई डेट के लिए कहा था लेकिन अब मैं उसे ऑफिशियली करना चाहता हूँ। और तभी काव्या बाहर मामी चांद और जीजू को साथ में जाते हुए देखता है और वो दरवाजा खोल के बाहर देखता है तो मामी चांद और जीजू एक साथ जा रही होती है। फिर मामी चांद और जीजू एक रूम में जाते हैं जहाँ पर मामी चांद कहते कि लो पैसे ले लो। जीजू कहते कि नहीं मैं नहीं ले सकती। मामी चांद कहती कि अब ले भी लो ठीक है, मैं तुम्हारे बैग में रख देती हूँ। जीजू कहती कि मामी चांद तुम्हें कैसे पता चला मेरी जॉब के बारे में? मामी चांद कहते कि मैं भी एक वीक से जानती हूँ, मैं रेंट जीएफ साइट चेक कर रही थी और तुम मुझे मिल गई क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। और हाँ, क्या तुम अपने क्लाइंट के लिए गाना गा सकती हो? जीजू कहती है कि वो क्लाइंट पर डिपेंड करता है। मामी चांद कहती है कि तो गाना गाओ। जीजू कहती कि क्या मैं तुम्हें पूछ सकती हूँ कि तुमने मुझे डेट पर क्यों बुक किया? मामी चांद जीजू के पास माइक लेकर आती है और वो कहती है कि गाना गाओ। फिर जीजू गाना गाती है और बाहर से काव्या सोच रहा होता है कि आखिर में वो दोनों अंदर क्या कर रही होगी, वो दोनों साथ में क्यों है, क्या मामी चांद को सब कुछ पता चल गया रेंट जेब के बारे में, क्या उसने जीजू को रेंट पे लिया है। और तभी काव्या के पास रुका चांद आती है। रुका चांद कहते कि क्या हुआ काव्या? काव्या डरते हुए कहते कि कुछ नहीं, चलो हम काम पे जाते हैं। और वो दोनों वहां से जाते हैं। फिर वहां पर काव्या अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता है और वो रूम की ओर जाता है और थोड़ा दरवाजा खोल के सुनता है और उससे पैसे की बात सुनाई देती है। काजुआ सोचता है कि ये असमें सही था। वहाँ पर जीजू कहते हैं कि मैं ये पेमेंट नहीं ले सकती हूँ, मैं रेंट जेब का काम छोड़ रही हूँ।
मामी जी कहती कि ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। तुम एक साल तक राजू के रेंट जेब बनी रही और मुझे पता भी नहीं चला, काफी अच्छा उल्लू बनाया तुमने। सॉरी, मैंने ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर बुला दिया। मुझे रेंट जेब के बारे में सब पता है और मैं तुम्हारे बीच में आना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। इन नकली ड्रामा करना बंद कर दो। मेरा मतलब सब उसे असली रिलेशनशिप समझ रहे हैं और मैं ये नहीं देख सकती, और काजू अकेले भी मुझे बुरा लगता है। जब तक उसके पास रेंट जीएफ रहेगी तब तक वो रियल जीएफ कभी नहीं बना पाएगा। वो तुम्हें जीएफ बनाने के लिए पैसे देता है, तुम्हारी झूठी स्माइल के लिए बेचारा तुम्हें पैसा देता है। बस इस बात से मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद मामी चान और जीजू रूहा से जाते है। फिर काजू के पास रूपा चान आती है और वो कहती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे। काजू कहते हैं कि सॉरी रूपा चान, अभी मुझे कहीं पे जाना है, और वो रूम में चला जाता है। और वो वहाँ पर सोचता है कि मामी चान को सब पता है और वो गुस्से में भी थी। इसमें जिजीरू की कोई भी गलती नहीं है, इसमें सब मेरी गलती थी। मेरी वजह से जिजीरू को मैं तकलीफ में नहीं डाल सकता। फिर काजू वहाँ पर बीमार होने का नाटक करने लगता है और वहाँ पर उसके बॉस और रूपा चान आती है। काजू कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार हो रहा है। उसके बॉस कहते हैं कि ठीक है, घर जाओ और आराम करो। और काजू वहाँ से जिजीरू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो जाते जाते सोच रहा होता है कि नहीं, ये सब कुछ मेरी गलती थी, मेरी वजह से जिजीरू को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी जिजीरू, मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ में डाला। और वो जिजीरू और मामी चांग को जाते हुए देखता है और वो उनका पीछा करता है। तो वहाँ पर मामी चांग कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, मैं इसके बारे में कॉलेज में किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब मुझे मेरा आंसर मिल गया है और आज मुझे सच में बहुत मजा आया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, लड़के तुम पे मरते होगे। तो चलो मैं जा रही हूँ, बाय। जिजीरू कहते हैं कि तुम क्या सोचती हो काजू के बारे में, उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, ऐसे उसने कसम खाई है, तुम उसे नहीं भूल सकती हो, है ना। और वहाँ पर काजू सोच रहा होता है कि अरे जिजीरू क्या बोल रही हो। जिजीरू कहती है कि मामी चान मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में काजू के लिए एक खास जगह होगी। मामी चान कहती है कि और तुम्हारा क्या मतलब, पूरा एक साल हो गया है तुम उसकी रेंट जेब बने, तुम्हें भी उससे प्यार हो ही गया होगा। और ये सारी बातें सुनकर अपने काजू भाई का दिल मतलब एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड में दबक रहा था। जिजीरू कहती है कि ठीक है, वो मेरा बीएफ है। मामी चान कहती है कि क्या तुम मेरे सवाल से बच रही हो, क्या ये भी तुम्हारे काम का हिस्सा है। तो वहाँ पर काजू सोचता है कि बहुत हुआ, अब मैं जिजीरू को और तकलीफ में नहीं देख सकता। मामी चान कहती है कि भाई अब मुझे जाना है। और वहाँ पर जिजीरू काजू की बातों को याद करती है। जिजीरू मामी चान को रोकती है और वो कहती है कि रुको, तुम अपनी बात पूरी करके जाओ, तुमने अभी अपनी पूरी बात नहीं की, तुम मुझे कम से कम एक चांस तो दो। रेंट जेब बनने के बाद मुझे पता चला कि प्यार कितना जरूरी है और इस प्यार को निभाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्या तुमने अभी भी उसके प्यार को समझने की कोशिश नहीं की। और ये सारी बातें सुनकर बेचारे काजू की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जिजीरू कहते कि क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बंदा है जो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी खुश रखना चाहता है। मामी जान कहती है कि दूर हो जाओ, ये मेरा और उसका मामला है। और वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर काजू बैठकर बहुत ज्यादा रोता है। फिर रात को जिजीरू घर आती है जहाँ पर उसके रूम के सामने काजू खड़ा होता है। जिजीरू कहती है कि तुम बीच में आ रहे हो। काजू कहता है कि सॉरी और हाँ तुम्हारा थैंक यू। जिजीरू कहती है कि थैंक यू क्यों। काजू कहता है कि मैंने वो सब कुछ देखा था जब तुम मामी जान के साथ थी। जिजीरू कहते कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा। काजू कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया था, मैं उस जगह पे काम करता हूँ और मैंने तुम्हें देख लिया था बस, और तुम्हारा थैंक यू मेरा स्टैंड लेने के लिए। जिजीरू कहते कि तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जीअप नहीं दिला पाई, मैंने वो हर एक कोशिश की जो मैं कर सकती थी पर ये मेरे लिए मुश्किल था। काजू सोचता है कि तुम माफी मत मांगो। जिजीरू कहते कि रिजेक्ट होने के लिए सिर्फ एक वर्ड ही काफी है, लेकिन अगर उसे बनाने की बात आती है तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे शब्द सेव कर लो, आगे आपकी लाइफ में काम आएंगे। काजू सोचता है कि तुम इतना सीरियसली क्यों ले रही हो, तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचती हो, मैं एक बेवकूफ हूँ, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती हो। ये सच है, मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ, तुम ही सिर्फ हो जिसे मैं सच में चाहता हूँ। तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारा बिहेवियर, चाहे मैं कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। मैं इस फीलिंग को समझा नहीं सकता, सिर्फ इस फीलिंग को मैं फील कर सकता हूँ। काश अगर तुम मेरे साथ होती तो जिंदगी कितनी अच्छी होती। जिजीरू कहते कि मुझे पता है कि तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगे, इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी रेंट जेब होने के नाते। काजू कहते कि तुम हो जो मुझे चाहिए, सिर्फ तुम हो। जिजीरू कहते कि क्या तुम मुझे चाहते हो, क्या मतलब है तुम्हारा। काजू कहते कि मेरा मतलब रेंट जेब के नाते। काजू कहते कि मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी रेंट जेब बनाना चाहता हूँ। जिजीरू कहते कि ओह तो तुम्हारा ये मतलब था। तो देखो मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए एक जॉब स्टार्ट की थी, अगर मुझे एक्ट्रेस बनने का चांस मिला तो मैं इसे छोड़ दूंगी। काजू कहता है कि हाँ मैं समझ गया। काजू कहते कि हाँ चलो मैं जाता हूँ, रात को ज्यादा हमें नहीं जागना चाहिए। और वो वहाँ से अपने रूम में जाता है। काजू सोचता है कि सच में मुझे वो चाहिए, पर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैंने क्या ही बोल दिया, मैं सबसे बड़ा सिंप हूँ। पर अब हम डेट पर जाएंगे,
पर आज ये दो बातें पक्की हो गई कि जीजू बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और वो मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचती है और बोरांडे जी आपकी जॉब भी छोड़ने वाली है, शायद उसके बाद मैं उसे कभी ना मिल पाऊँ। फिर उसके बाद हमें जीजू दिखाई जाती है, वो सोचती है कि वो सब कुछ क्या था, पागल। फिर उसके बाद हमें काव्या दिखाया जाता है जो किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर हमें जीजू दिखाई जाती है जो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और यहाँ पर इस एपिसोड के साथ ये सीजन भी होता है फिनिश। यार सच में अधूरा छोड़ दिया शो को, बहुत तड़पाते हैं एनिमे वाले, तो अब क्या ही कर सकते हैं, 2022 का इंतजार कर सकते हैं अगर कोरोना में बच गए तो। तो दोस्तों ये सीजन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करो, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मे बी न्यू एनिमे सीरीज के साथ।